हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो पे। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि यदि आपके घर में बिजली कनेक्शन है और स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो रिचार्ज तो आपको पहले ही करना पड़ता होगा, और रिचार्ज करने के कुछ दिन बाद आप जानना चाहते हैं कि कितना हमने रिचार्ज किया है, उसमें से कितना अमाउंट यूज हुआ है, कितना अमाउंट अभी बचा हुआ है, यानी कि उस अनुसार आप अंदाज़ा भी लगा पाएंगे कि कितना दिन आपका रिचार्ज चलने वाला है, कितना दिन तक आप बिजली और यूज कर पाएंगे पिछले बार जो रिचार्ज किए हैं उससे। तो कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको लेकर के चलेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। इसके लिए आपका मीटर का कंज्यूमर नंबर याद रहना चाहिए, तभी आप ये चीज़ जान पाएंगे। चलिए मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर और आप पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर से सुविधा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। आपको स्मार्ट मीटर सर्विस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, स्मार्ट मीटर सर्विस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना कंज्यूमर नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद गेट कंज्यूमर डिटेल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारा डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर जितना भी अमाउंट बचा हुआ है, जितना भी बैलेंस बचा हुआ है, वो बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 84 रुपया 32 पैसा। यानी कि अभी तक जितना भी आपने रिचार्ज किया है उसमें से इतना बचा हुआ है बैलेंस। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना अमाउंट आपके घर कितना दिन चलेगा, एक दिन, दो दिन, चार दिन, जितना दिन चलेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।